अस्सलाम वालेकुम, हियर इज मानी, वेलकम बैक टू ई लर्निंग पॉइंट। वेलकम स्टूडेंट्स, सो आज हम चैप्टर 2 जो कि रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज है उसका हम क्वेश्चन नंबर 2.44 करेंगे। सही, सो क्वेश्चन हमारा 2.44 है, 20 मैन कैन पेंट 15 हाउसेस इन 18 डेज। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल 24 मैन टेक टू कम्प्लीट दी 10 हाउसेस। सो क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि 20 आदमी हैं, वो 15 घर बना रहे हैं 18 डेज में। ठीक है, सो वो कितने दिन लेंगे, 24 आदमी यानी कि 24 आदमी कितने दिनों में 10 घर को बना लेंगे। से सबसे पहले हम सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे, हमने फाइंड क्या करना है, डेज को फाइंड करना है। हाउ लॉन्ग कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कितने दिनों में बनेंगे, तो हमने डेज को पहले लिखना है। ठीक है, अब मैन दिए हुए तो हम सेकंड पे मैन लिखेंगे और थर्ड पर हाउसेस। सो सबसे पहले हमें डेज कितने दिए थे, 18 डेज दिए हुए थे, और आदमी कितने हैं 20। ठीक है, और घर कितने हमारे 15। सो अब देखें हमने क्या फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग विल 24, यानी कि सबसे पहले हमने डेज फाइंड करने, तो हमने एक्स ले लिया डेज की जगह पे। ठीक है, और 24 मैन हमें सेकंड में दिए हैं, हमने 24 ले लिए और हाउसेस 10 ले लिए। सो अब देखें सबसे पहले हम डेज को मैन से कंपेयर करेंगे और फिर डेज को हाउसेस से, ये जानने के लिए कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स प्रोपोर्शन हो रही है। ठीक है, सो अब देखें हमारे पास पहले कितने थे, 20 आदमी थे, 18 डेज में कितने 15 घर बना रहे थे। ठीक है, फिर हमें कितने आदमी हो गए, 24 आदमी हो गए। देखें आदमी बढ़ रहे, और अब जैसा पहले 20 आदमी थे तो 18 दिन में बना रहे थे, अब आदमी ज़्यादा दे दिए तो जाहिर सी बात है आदमी ज़्यादा दे दिए तो फिर दिन हमें कम लगेंगे ना, आदमी ज़्यादा हो रहे हैं और दिन कम हो रहे हैं, तो ये डेज और मैन का इनवर्स प्रोपोर्शन रिलेशन बन रहा है। ठीक है, और देखिए अब दिन हमारे कितने थे, 18 डेज थे, हाउस कितने थे 15। ठीक है, अब घर हमें कितने दे दिए, 10 दे दिए। ठीक है, सो अब घर 10 दे दिए तो दिन भी हमें कम लगेंगे। ठीक है, जितना पहले देखें 18 थे तो हमें 15 डेज में 15 घर बना रहे थे, अब 10 घर बनाने तो हमें डेज भी कम लगेंगे। ठीक है, सो देयर इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन बिटवीन डेज एंड मैन। ठीक है, क्योंकि आदमी बढ़ रहे थे और दिन हमें कम लग रहे थे, तो ये इनवर्स हो गया एंड आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन डेज एंड हाउसेस, क्योंकि ये देखें ये भी कम हो रहे थे और डेज भी हमारे कम हो रहे थे। सो अब देखें हम एक्स को डिवाइड में 18 ले लेंगे इज इक्वल टू, सो मैन का जो हमारा इनवर्स था, इनवर्स हम एज इट इज़ लिखते हैं, तो मैंने 20 डिवाइड बाई 24 एज इट इज़ लिख दिया मल्टीप्लाई। अब चूंकि हाउस जो है वो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन था तो डायरेक्ट में हम जगह चेंज कर लेते हैं, सो मैंने 10 ऊपर ले लिया और डिवाइड बाई 15 कर लिया। सही, सो 8 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू, जब मैंने कैलकुलेटर की हेल्प से ये किया तो मेरे पास आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 9। ठीक है, सो मल्टीप्लाई, अब x के साथ 18 डिवाइड में है सो मल्टीप्लाई 18 ऑन बोथ साइड करूँगी 18 को ख़त्म करने के लिए। सो 18 मल्टीप्लाई बाई x डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 18, ये 18 इस 18 से कट जाएगा। सो जब मैंने x को 5 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 18 किया तो मेरे पास x क्या आ गया, 10 डेज। सो 24 मेंस जो हैं वो 10 डेज में 10 घर को बनाएंगे, सो ये मेरे पास आ जाएगा आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 2.45 है, अ पर्सन ट्रैवल्स 120 किलोमीटर्स इन 5 डेज वॉकिंग 10 आवर्स अ डे, हाउ मैनी किलोमीटर्स विल ही वॉक इन 15 डेज ऑफ 8 आवर्स अ डे। सवाल में ये कह रहे हैं कि एक पर्सन है वो 120 किलोमीटर्स 5 डे में वॉक करता है, कवर करता है 10 आवर्स वॉकिंग करके। ठीक है, सो वो कह रहे हैं कि वो कितने किलोमीटर्स चलेगा 15 दिनों में 8 घंटे में। ठीक है, सो सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे, हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस पहले लिख दिया एंड में फिर हमने डेज सेकंड में लिखा और टाइम जो हमें दिया हुआ है वो थर्ड में लिख दिया। ठीक है, टाइम हमें आवर्स में दिया हुआ है। ठीक है, सो अब देखें डिस्टेंस हमें पहले क्या दिया हुआ था, 120 किलोमीटर्स था, हमने 120 लिख दिया, डेज हमें 5 दिया हुआ है, हमने डेज लिख दिया, टाइम हमें क्या दिया हुआ है 10 आवर्स, सो हमने 10 आवर्स लिख दिया। ठीक है, अब हमें कह रहे हैं किलोमीटर्स फाइंड करने, तो हमने एक्स ले लिया, डेज हमें कितने दिए हुए 15 और आवर्स हमें दिए हुए 8। ठीक है, सो ये हमारा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, सो देयर इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन डिस्टेंस एंड डेज एंड अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, क्योंकि देखें डिस्टेंस पहले 5 दिन में वो 120 का रहा था, डेज बढ़े तो डिस्टेंस भी हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब देखें एक्स हमने डिवाइडेड ले लिया 120 से। ठीक है, जैसे हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, इज इक्वल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो जगह चेंज हो जाएंगे, 15 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 10। ठीक है, सो हमने इसको कट किया, पहले हमने इसको 15 और 10 को कट किया, किस पे, 5 के टेबल पे, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, और 8 और 5
इसी तरह हम लिख देंगे। सो जब 3 8 से हमने किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24, और 5 को 2 से किया हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है, सो फिर हमने इसको 2 के टेबल से कट किया, 2 12 ज़ा 24 और 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास x डिवाइड बाय 120 इज इक्वल टू आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 5। सो अब हमारे डिवाइड x की डिवाइड में क्या है 120, 120 को फिनिश करने के लिए हम मल्टीप्लाई 120 ऑन बोथ साइड कर देंगे। सो 120 मल्टीप्लाई बाय x डिवाइड बाय 120 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 120। सो ये 120 कट गया। ठीक है, सो अब देखें 12 को हम 12 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 120 किया तो हमारे पास x इज इक्वल टू 288 किलोमीटर्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो इसके मेरे रिमेनिंग क्वेश्चन मेरी नेक्स्ट वीडियो में होंगे। सो डियर स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्यूरी हो सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। सो मैं आप अपनी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी वो प्रॉब्लम जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूँ। ठीक है, सो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।